दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। SSC GD प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 32वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 24 को 5-15 से 6-15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल ब्लड रिलेशनशिप से है और इसमें पिछले पेपर को छोड़ करके बाकी जितने भी पेपर हमने दिए, पिछले पेपर से ये ट्रैक थोड़ा सा बदल गया है। इसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चिन्ह है पहले यहाँ पूछा, इसके बारे में बताता था, लेकिन अब कहानी क्या है, ये वाला जो चिन्ह है वो इसके बारे में बताता है। मतलब ये चिन्ह जैसे प्लस का अर्थ पिता है, तो पिता कौन है, बी है। चलिए देखते हैं इस क्या कह रहा। पहला है ए हैज बी, मतलब बी ए की बहन है। फिर बोल रहा है बी प्लस सी, प्लस प्लस मतलब बी सी बी का पिता है, सी बी का पिता है। फिर बोल रहा है सी एंड डी, सी एंड डी, एंड क्या है, डी सी की पत्नी है, डी सी की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा, डी सी की पत्नी है। फिर क्या बोल रहा है, डी माइनस ई, ठीक है, माइनस का क्या है, ई ई की माता है। ये है कहानी। अब आपको बोला ई ऐसे किस प्रकार संबंधित, देखिए एक जनरेशन ऊपर ये है, फिर एक जनरेशन ऊपर ये है और महिला है, तो दो जनरेशन ऊपर अगर कोई महिला है तो वो ग्रैंड मदर होती है, और ग्रैंड मदर में दो ही आती हैं, दादी और नानी। अब ये देखिए, ये लड़की है, लड़की की लड़की है या लड़का है, ये मतलब 100% क्या हो जाएगा, नानी। मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा नानी, वैसे ऑप्शन में चूंकि दादी था नहीं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि दो जनरेशन ऊपर अगर लेडीज है तो ग्रैंड मदर होगी, और अगर जेंट्स है तो ग्रैंड फादर होगा, मतलब दादा या नाना या दादी और नानी। दादी ऑप्शन में था नहीं, नानी है। अगर इसका लड़का अगर होता तो फिर हम दादी बोल देते, लेकिन यहां पर ये जो ई है वो सी की माँ नहीं है, वो किसकी माँ है, डी की माँ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, अगला सवाल है हमारा इमीडिएट फिगर से। अब देखिए इस पूरे में कहीं पर भी कोई सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है क्या, कहीं नहीं है। देखिए इसमें भी सीधी लाइन है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, इसमें भी सीधी लाइन है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, इसमें भी सीधी लाइन है, यह भी उत्तर नहीं हो सकता। मतलब हमारा उत्तर तो कौन सा है, तीन नंबर। क्यों, क्योंकि इस पूरे के पूरे सर्कल में कहीं पर भी सीधी लाइन नहीं है, और सीधी लाइन नहीं है तो देखिए इसमें भी सीधी लाइन है, ये दोनों लाइनें सीधी है, ये चारों लाइनें भी सीधी। अब ये वाला जो उत्तर है ये है कौन सा, वास्तव में ये हिस्सा ये वाला है। ये देख लीजिए, देखिए सेम टू सेम बना है कि नहीं बना है, मतलब हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीन। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको बोला पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू, बढ़िया पांच व्यक्ति दिए, अभी तक छह और सात के सवाल आ रहे हैं, पांच आदमी है, एक दो तीन चार पांच, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर एस टी और आर दोनों के ठीक बगल में है, एस टी और आर के अगर बगल में है, मतलब ये इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आर क्यू के ठीक बगल में है, अब आर अगर क्यू के ठीक बगल में है, क्यू यहां पे हो सकता है, यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। अब देख लीजिए क्यू कहां बैठा हुआ है, अंतिम दाएं सिरे पर, आर क्यू के ठीक बगल में है, तो अब हमें ये वाली लाइन को हटाना पड़ेगा, मतलब यहां कौन बैठा हुआ है, क्यू, तो यहां कौन बैठेगा, आर, और अगर आर यहां बैठा है तो टी कहां बन जाएगा, यहां एक लाइन और बच रही है, ठीक है। अब देखिए चार लोग तो आपने बैठा दिए, अभी तक बैठा कौन नहीं है, अभी तक नहीं बैठा है तो कौन सा, क्यू आर एस टी यू, ठीक है, तो क्यू आर एस टी, बच कौन गया, यू, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल में हमने इधर लाइन ले ली थी क्योंकि शुरुआत हमने यहां से कर ली, अब आपको उसने बोल दिया क्यू अंतिम दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, या तो मैं एसटीआर को हटा के इधर करता, तो हमने क्या किया कि ये वाली लाइन को मिटा दिया और क्यू को हमने लास्ट में लिया। अब क्यू लास्ट में हो गया तो यहाँ टोटल कितने आदमी बचे, चार, मतलब एक जगह इस तरफ है, और क्यू आर एस टी बैठ गए, मतलब एक ही आदमी बच रहा है यू, और वो कौन कहाँ बैठा हुआ है, अंतिम बाएं सिरे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, एफ, अच्छा ई ई एफ,
एच देखना पड़ेगा, देखिए ई मतलब कितना है, 5 5 55, फिर जी एफ मतलब कितना है 73, फिर जे एच मतलब कितना है 10 और 8, 10 और 8, फिर ओके 15 और 11, और फिर कौन सा है पी ओ मतलब 22। और अब देखिए मैं एक एक करके देख रहा हूं, 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, यहां कितने का फर्क है, 2 का, यहां 3 का, यहां 5 का, यहां 7 का, मतलब अगला अंतर कितने का होगा, 9 का, और 22 और 9 31, 31 हो नहीं सकता, तो -26 मतलब इसका उत्तर कितना है 5, और 5 किसका होता है, क्या गड़बड़ हो गई, 2 3 5 7, ओ हो, क्या दिक्कत है भाई, इसका ये विषम का मामला नहीं है, ये मामला किसका है, 2 3 5 और 7 प्राइम नंबर्स का मामला है, प्राइम नंबर्स का मामला है, मतलब यहां पर डिफरेंस कितने का रहेगा 11 का, तो 22 और 11 कितना हो जाएगा 33, और 33 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 किसका नंबर है, 7 नंबर है, देखिए जी दो जगह मतलब ये भी कैंसिल। अब आपको इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं, देखिए 5 से 6 कितने का अंतर है 1 का, 6 से 8 कितने का अंतर है 2 का, 8 से 11 कितने का अंतर है 3 का, 11 से 15 कितने का अंतर है 4 का, मतलब जो अगला अंतर आएगा वो कितने का आएगा 4, तो ये 5 का अंतर आएगा, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका नंबर है भाई, 20 किसका नंबर है भाई, देख लीजिए जी है, जीएस है, हमेशा टीचर ही 20 होता है, मतलब उत्तर हो जाएगा जीटी, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। अच्छा सवाल कहा जाएगा, कारण इसका ये है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आप लोग एक चीज देखिए कि सीरीज में सबसे ज्यादा अगर हम नंबरिंग कर लें तो वो नंबर सीरीज बन जाती है, मतलब सवाल ये रीजनिंग का रहता है, मतलब रीजनिंग में रहता है, लेकिन वास्तव में ये सवाल वही बच्चा अच्छे से कर पाता है जिसकी मैथ की नॉलेज ज्यादा अच्छी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए का अर्थ है घटाओ, बी का अर्थ है भाग सीख। अच्छा तो ये पहले आप अंक लिख लीजिए, तो अंक कौन कौन से हैं हमारे पास, अंक है 28, फिर कितना है 80, फिर कितना है 16, फिर कितना है 5, और फिर कितना है। ठीक है, अब देखिए ए लगा हुआ है, ए का अर्थ है घटाओ मतलब यहाँ माइनस लगेगा, बी का अर्थ है भाग मतलब यहाँ पे भाग लगेगा, फिर 16 और 5 के बीच में सी लगा है, सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा हल होगा, तो 16 5 80 55 25, अब ये कितना है 28 माइनस 25 धन 21, 28 में से 25 घटाएंगे 3 और 21 और जोड़ देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 24, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा ये है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन माने जाता है, यहां पर केवल आपको ये करना है कि जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उन अल्फाबेट की जगह वो सिंबल आपको लगाने हैं जो सवाल में दिए गए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में एजेंट को, एजेंट को, ठीक है, ए एच जेड एच, देखिए एजेंट, एजेंट 1 फिर 7 फिर 5 फिर 14 और फिर नहीं सॉरी 20, चल फिर कितना दिया हुआ है 26, 26 के बाद कितना दिया हुआ है 8 का नंबर है 7, ओ का नंबर कितना है 15 और जी का नंबर कितना है 7। ठीक है, देख लेते हैं क्या है मामला, देखिए अगर मैं इसको 27 कर दूं, 26 और 1 27, 27 से 26, 7 से 8, 1 1, 1 घटा 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, और फिर 3 क्या है, ये कितना है -1, ये कितना है +1, ये कितना है +2, फिर +1,
यही मामला गड़बड़ा रहा है। अगर मैं इसको देखूं, 26 एक 27, 20 7 27 का योग है 15, इसका योग है 12 और इसका योग है, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। सी का कितना है 3 और एक्स का कितना है 24, ठीक है। आर का कितना है 18, आई का कितना है 9, 27 27, ये कितना है 8 और ये कितना है 9, फिर ए कितना है 1 और सी कितना है 3 और फिर आई कितना है 9 और ये कितना है 10, ये है 17, ये है 4 और ये है 19। एक दो देखिए, ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला, ये तो एक जैसा, देखिए यहां पर भी अगर आप देखोगे, ये कितना है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, ये भी 27 है और ये भी 27 है। ये वाला हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, कसम से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको करना किसका है, फैथ का, फैथ का। तो F का उल्टा, चूंकि 27 मतलब उल्टा है, F का क्या होता है U, U यहाँ पे आया हुआ है, ये गलत, ये गलत। फिर H का क्या होता है, हस, यू एस यू एस, ये दोनों ही सही है। अब आप देख लीजिए A, A का क्या होना चाहिए, प्लस 1 मतलब A का क्या होना चाहिए, P, ये देख लीजिए, ये वाला उत्तर। अब देखिए अगर यहाँ करते, आई का नंबर कितना है 9, तो 9 से कितना हो जाता है 11, 11 का मतलब कितना हो जाता है, ये आपके देख लीजिए। फिर टी का नंबर कितना होता है 19, प्लस 1 प्लस 1 होता तो ये कितना हो जाता 20, और 20 किसका नंबर होता है, सॉरी टी का नंबर होता है 20, 20 में 1 जोड़ देता कितना हो जाता 21, और 21 किसका नंबर है, तो ये भी आ गया बी के यू। मतलब यहां पर पहला और आखिरी उल्टा है, बाकी के तीन में प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये कहानी आपकी इसमें बनी हुई है। अच्छी कोडिंग कही जाएगी क्योंकि इसमें सीधी सीधी कोडिंग नहीं दी गई। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। हाँ, डिक्शनरी का सवाल है, देखिए डी से कुछ नहीं मिलने वाला, आई से कुछ नहीं मिलने वाला, यहां मिलेगा तो देखिए एस एस एफ, तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा, मतलब तीसरा पहले नंबर पे होना चाहिए, ये गलत, ये। अब देखिए एस, एस के बाद है सी, टी, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, आर, मतलब एस के बाद सी है मतलब दूसरे नंबर पर ये रहेगा, और एस के बाद आर है मतलब तीसरे नंबर पर ये रहेगा, तो 3 2 5, 3 2 5। अब आपको बाकी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा उत्तर हमें मिल चुका है। पहले नंबर पर ये तीसरा आ गया, दूसरे नंबर पर दूसरा आ गया, और तीसरे नंबर पर पांचवा आ गया, और ये 3 2 5 मुझे पहले ऑप्शन में मिल गया चूंकि दूसरे ऑप्शन में 3 4 1 दिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे भाई, अगला सवाल है हमारा मिरर इमेज से। देखिए मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जो भी लेफ्ट में रहता है वो कहां पहुंच जाता है, राइट, और न केवल राइट में पहुंचता बल्कि वर्ल्ड भी घूम जाता है। जो लेफ्ट में अगर कोई मुंह खुला हुआ है तो वो राइट में खुलेगा, कोई पूंछ लेफ्ट में बनी हुई है तो वो राइट में बनेगी। अब देखिए यहाँ पे W यहाँ पे है तो W लास्ट बनेगा, W अगर लास्ट में बनेगा जब दर्पण को MN पे रखा जाए तो पहले पे बन गया, यही उत्तर है इसका, चौथा नंबर, कुछ करने की जरूरत। देखिए यहाँ LL बना हुआ है, यहाँ M बना हुआ है, ये M कब बनेगा, जब मिरर इमेज की जगह पे क्या बनाया गया होता है, यहाँ फिर दर्पण रखा गया होता, मतलब वाटर इमेज का मामला होता, केवल इसमें पर बना हुआ। अब देखिए ये पूरा ही सही होगा, W ये L को देख लीजिए, इधर आ गया, D भी पलट गया, E भी पलट गया, R भी पलट गया, 7 भी पलट गया, F भी पलट गया, U भी पलट गया, L भी पलट गया, कितना इजी था मिरर इमेज, बहुत इजी कहा जाएगा क्योंकि पहले वर्ड से ही आपको आपका उत्तर मिल गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए कैपेबल, वही वर्ड है, ऑक्सन, AUC, ठीक है। देखिए यहां पे इसने क्या किया है, कैपेबल, देखिए सवाल क्या है, CAPABL। अब इसने क्या किया है, पहले तो इसको पलटाया इसने, इन तीनों को ऐसे,
यहां क्या कर दिया पी, यहां क्या कर दिया ए, यहां क्या कर दिया सी, ठीक है, ये ई है एक्चुअली, ई है, ठीक है। फिर इसने क्या किया है, ई एल बी ए, इन सबको पलटा दिया है, इन सबको पलटा दिया है, मतलब फिर इसने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, पूरे को उल्टा इधर ले आया, ई एल, पहले ये बी ए सी को पलटा है, फिर एल बी ए को पलटा है। अब देखिए ये केयरफुल है, तो अब हम क्या करेंगे, आर ए सी इसको पलटा देंगे, फिर इसको पलटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल यू एफ आर ए सी, आर ए सी एल यू एफ, ये हो जाएगा। इसको धोखे में मत आ जाइएगा, ई एल यू एफ दिया हुआ है, ठीक है, एल को इधर ले आया, यू को इधर ले आया, उसने क्या किया, सीधे सीधे पलटा, देखिए ए बी एल ई, ए बी एल ई, ठीक। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 से दिया हुआ है 500 और 10 से दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है मुझे, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, नहीं सॉरी 9 से पूछ रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। अब देखिए बहुत ही इजी दिख रहा है ये, कारण उसका ही देखिए, 520 देख करके मुझे याद आ रहा है कि ये पूरा मामला है 8 की घाते 3, क्योंकि 8 की घाते 3 का मतलब कितना होता है 512, और उसमें उसने 8 को जोड़ दिया, मतलब पूरा मामला कितना हो गया 8 की घाते 8। ये यहां देख लीजिए, ये पूरा मामला 10 की घाते 3 कितना होता है, 10 की घाते 3 होता है, 1000 दिया हुआ, 1000 10 मामला है 10 की घाते 3 10 का, तो यहां पे मामला क्या बनेगा, 9 की घाते 3 9 का, 9 की घाते 3 कितना होता है 729, 9 और कर दिया, मतलब उत्तर हो जाएगा 738, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। अब आगे देखिए, इसका आंसर कितना है 738, ऑप्शन नंबर 3 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ भाई, देखते हैं, देखिए 13 है, फिर 30 है, फिर 47 है, तो बहुत ही सरल दिख रहा है, फिर 81 है, फिर 98 है, सब में 17-17 का फर्क लग रहा है। देखिए यहाँ कितने का अंतर है 17 का, यहाँ भी कितने का अंतर है 17 का, यहाँ भी कितने का अंतर है 17 का, तो यहाँ भी कितने का अंतर हो जाएगा 17 का, तो 7 7 14 4 1 5 1 6 64 उत्तर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है। सभी में कितने कितने का फर्क है देख लीजिए, यहाँ भी 17 का है, यहाँ भी 17 का है, यहाँ भी 17 का है, कुछ ज्यादा इजी सवाल दे दिया, ठीक है, सवाल में कुछ है ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज, ये हमने लगा दी वृत्ताकार मेज, ये 6 विद्यार्थी इधर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये बाया एल, इधर जाएंगे क्या कहलाएगा, ये दाया आर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, अरुण कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में समा अजय और सुमन के ठीक बगल में है, देखिए पहले तो क्या बोला है, अरुण कृष्णा और बॉबी के, अरुण कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में है, मतलब इनके बीच में बैठेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, समा अजय और सुमन के ठीक बगल में है, समा अजय और सुमन, अजय और सुमन के ठीक बगल में, अब कौन कहां बैठा हुआ, ये अगली लाइन से क्लियर होगा, अजय बॉबी के बाई ओर ठीक बगल में, अजय कहां बैठा हुआ है, अजय बैठा हुआ है बॉबी के बाई ओर। अब आप देखिए बाई ओर का मतलब ये हुआ, अगर मैं अजय को यहां बैठा हूं, बॉबी को यहां बैठा हूं, तो ये पूरा मामला क्या कहलाएगा, बाई ओर, और अगर मैं इधर ले लूं, इस तरफ ले लूं, अजय कहां बैठा हुआ, बॉबी के बाई ओर, यहां क्या हो जाएगा, बॉबी हो जाएगी अजय के बाई ओर, और अजय बॉबी की कौन सी ओर हो जाएगा, दाई ओर। सवाल में है अजय बॉबी के बाई ओर है, अजय बॉबी के बाई ओर है, मतलब यहां सुमन नहीं है, यहां के नहीं है, अजय अब क्या कहां बैठ गया, बॉबी के बाई ओर, अब अजय यहां, सुमन यहां से हट गई, अजय यहां बैठ गया तो अजय को हटा दो, यहां बी बैठ गया तो यहां से बी को हटा, बन गया सवाल। कौन बॉबी के दाई ओर ठीक बगल में, बॉबी के दाई ओर, दाई ओर कौन बैठा हुआ है, ए, ए का मतलब क्या है,
है, देखिए छह लोग थे, एक में उसने बोल दिया ये इन दोनों के ठीक बगल में, मतलब वो उन दोनों के बीच में हो गया। फिर दूसरे के बारे में बोल दिया ये इन दोनों के ठीक बगल में है, वो भी उन दोनों के बीच में बैठ गया, पूरे छह आदमी बैठ गए। अब हमारी जो समस्या थी वो ये थी कि यहां पर अजय, यहां पर अरुण का मामला था, ये अजय का मामला है और ये किसका मामला है, अरुण का। ठीक है, पहले अरुण ही बोला था। अब यहां देखिए, अगर अजय जो है वो बॉबी के बाई ओर है, यहीं से सवाल पकड़ में आया, अजय बॉबी के बाई ओर, बाई ओर मतलब ऐसे अगर मैं यहां बैठा था तो अजय क्या हो जाता, बॉबी के दाई ओर हो जाता, इसलिए यहां पे अजय और यहां पे बॉबी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, हमारा नान बर्बर रीजनिंग। देखिए पहले तो ये तीनों काले काले हैं नीचे, ये वाला तो गलत ही हो कि ये सफेद है नीचे। ठीक है, फिर ये गया कहाँ है, यहां से एक, यहां से। ठीक है, फिर ये यहां से एक, ये यहां से, मतलब दो के दोनों जो काले घेरे हैं वो कैसे जा रहे हैं, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कितने कितने घर, एक एक घर। देखिए इस वाले के, देखिए यहां पे, यहां के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ पे और यहाँ के बाद। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे फिर एक घर आगे गया, यहाँ पे फिर एक घर और आगे गया, यहाँ पे। अब इसको एक घर और आगे ले जाएंगे तो ये वाला कहाँ बन जाएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी देखिए, ये एक घर आगे जाएगा तो यहाँ पर खाली है। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर किसका मामला, कोडिंग का, पीएलसी को क्या बनाया हुआ इसने, ईओटी। नंबरिंग कर लेते हैं, समझ में तो आ रहा है वैसे, सी टी एल एम एन ओ। देखिए नंबर कर लेते हैं, पी, पी का नंबर कितना होता है भाई, पी का नंबर होता है 16, एल का नंबर कितना होता है भाई 12, सी का नंबर कितना होता है 3। बनाया किसको है, टी, टी को कितना बना दिया है 20, ओ को कितना बना दिया है 15 और टी को कितना बना दिया है, टी फिर से कितना हो गया है, अच्छा ई ओ टी है यार, 5 12। इसने क्या किया है, 5 15 है यार, इसने क्या किया, देखिए 3 2 5, यहां कितने का फर्क है 2 का, 16 4 20, कितने का फर्क है 4 का और यहां कितने का फर्क है। ठीक है, अब आप देखिए इसको बनाना है तो ये 14, तो 14 और 3, यहां से कितना जा रहा है 2 2, तो 14 और 2 16, सी ये कितना है 12 3 15, तो 3 3 6, ये कितना है 16 और 3 16 और 4 20, तो ये 8 और 4 12, ये हो जाएगा। अब देखिए 16 किसका नंबर है, 16 नंबर है किसका, पी का, 6 किसका नंबर है, एफ का, और 12 किसका नंबर है, 12 11 का है, एल का, मतलब पी एफ एल आपका उत्तर है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। यह समझ लीजिएगा यहां पर कितना है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये है 2 का, इसके लिए 2 का हो गया, ये वाली लाइन 3 की बनी हुई है, ये वाली लाइन आप देखो ये कितने का फर्क है 4 का। ठीक है, और ये कितने का फर्क है 3 का, वही फर्क हमने वहां कर दिया, बात खत्म हो गई। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, सिलॉक से। सिलॉक्स में क्या करना है, सिलॉक्स में सबसे पहला काम पदों के मान का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है कि दो कथन से है। एक कथन से है तो केवल एक चीज, सकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष, नकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष, 50 वाले का मान 100 नहीं होगा। एक से ज्यादा कथनों से है तो फिर आपको क्या करना है, एक से ज्यादा कथन से तो फिर आपको मध्य पद देखना है, मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सवाल। देखिए सभी टॉप बॉटम है, टॉप के पहले सभी लगा मतलब मान 100 है, बॉटम के पहले है लगा मतलब मान 50 है, पुल ओवर के पहले सभी मतलब मान कितना है 100, बॉटम के बाद है मतलब मान कितना है 50, बॉटम के पहले सभी मतलब मान कितना है 100, पैंट के बाद है मतलब मान कितना। देखिए बॉटम, ये वाला बॉटम वैलिड नहीं है, ये वाला बॉटम वैलिड है, मतलब पहले से और तीसरे से निष्कर्ष निकल सकता है, दूसरे से और तीसरे से, पहले से और तीसरे से निकलेगा,
दूसरे से और तीसरे से निकलेगा, लेकिन पहले से और दूसरे से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर वहां पर वैलिड नहीं है। अब देखिए, सभी पुल ओवर पैंट है, सभी पुल ओवर पैंट है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। पुल ओवर पैंट है, पैंट की वैल्यू यहां पर कितनी है? 50, ये भी 50, मिडिल टर्म वैलिड है, सही है सवाल। सभी पैंट टॉप है, पैंट और टॉप मतलब पहले और तीसरे से निकल सकता है, सभी पैंट टॉप है, पैंट की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ पर कितनी है? 100 है, गलत हो गया, क्योंकि 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता। कुछ पैंट पुल ओवर है, पैंट और पुल ओवर, फिर बॉटम कैंसिल है। अब पैंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50, यहाँ पर भी कितनी है? 50, मतलब ये भी सही, पहला और तीसरा सही है, तीसरा गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, केवल निष्कर्ष एक और तीन अनुसरण करते हैं, दूसरा वाला गलत है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 26, थोड़ा बड़ा कर, 3 के बाद खाली स्थान है, फिर कितना है? 9, और 9 के बाद कितना है? ठीक है, 3 का फर्क है, 26 3, ये कितने का अंतर है? 3 का, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है? 3 का, यहाँ पर भी कितने का अंतर होना चाहिए? 3 का, मतलब 6 आएगा, और 6 किसका नंबर है? F का, F आएगा, यहीं से आपको उत्तर मिलेगा। बाकी सभी में F किसी में नहीं है, बाकी में या तो G है, H है, या तो E, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, नंबर सीरीज का पता है, 4 है, 36, 144 है, क्वेश्चन मार्क है, 900 है, और फिर 1764। सारे के सारे मेरे को स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 6 का। ये किसका स्क्वायर है? 12 का। ये किसका स्क्वायर है? 30 का। और ये किसका स्क्वायर है? ठीक, देखिए यहाँ पर कितने का फर्क है? 4 का। यहाँ पर कितने का फर्क है? 6 का। यहाँ पर कितने का फर्क है? 12 का। यहाँ कितने का होना चाहिए था? 8 का। और यहाँ कितने का होना चाहिए था? 12 और 6, सॉरी 8 का है ये, 12 और 8 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 और 10 30 का स्क्वायर कितना? 900, मतलब हमारा जो उत्तर है वो कितना है? ठीक है, सारे डाटा स्क्वायर में थे, क्योंकि वो दिख ही गया था, 4, 36, 144, 900, शायद आपको 1764 नहीं पता हो, तो 1764 किसका स्क्वायर होता है? 42 का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसी कूट भाषा में, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अगर कभी भी, ये तो अभी पिछले पेपर में ये चीज थोड़ी सी गलत साबित हुई, उसमें जितने अल्फाबेट थे उसमें 3 का गुणा किया जा रहा, लेकिन सामान्य तौर पर अगर अल्फाबेट को नंबर के रूप में दिखाया गया है तो आप सबसे पहले अल्फाबेट के नंबरिंग करके उसको जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई का नंबर कितना है? 5। टी का नंबर कितना है? 3। टीचर कितना होता है? 20। ओ का कितना है? 15। पी का कितना होता है? 16। आई का 9। और सी का कितना होता है? अब यहाँ देख लीजिए, 5 3 8 20 8 28, 5 33 10 43, 6 49 10 59 9 68, 68 और 3 कितना है? बिल्कुल सब करके लिख दिया उसने। अब इकोनॉमी में नंबर कितना है? 5, फिर 3, फिर 15, फिर 14, फिर 15, फिर 13 और फिर 25, इसको जोड़ लीजिए आप। देखिए 5 3 8 15 8 23 23 23 4 27 10 37 37 5 42 10 52 52 3 55 55 10 65 65 70 और 20, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत बेसिक सवाल है, सारे अल्फाबेट्स की नंबरिंग की और नंबरिंग करने के बाद उनको जोड़ दिया। सवाल किसका है? डाइस। डाइस के सवाल में मैंने आपको क्या बताया था? अगर एक ही कॉमन है, दोनों में अगर एक ही अंक कॉमन है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले जो है वो एक दूसरे के अपोजिट, और अगर दो डिजिट कॉमन है तो जो बचा हुआ हिस्सा है, तीसरा फलक, इसका तीसरा फलक और उसका तीसरा फलक, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहां देख लीजिए, जेड 1 से लेके 6 तक की संख्याएं दर्शाई गई हैं। जेड दर्शाने वाले फलक
गलत है, इसको आप कर दीजिए दो, यही होगा शायद, देखते हैं। ठीक है देखिए, चार तीन चार तीन, देखिए ये वाला तीन और ये वाला तीन कॉमन, फिर देखिए ये वाला चार और ये वाला चार कॉमन, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन सा है, दो, और दो का अपोजिट कितना है, एक, क्यों, क्योंकि यहां से दो बच रहा है और वहां से कितना बच रहा है, एक बच रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल अच्छा मैथमेटिकल सीरीज का चेंज करना है, चेंज करना है तो सबसे पहला फोकस भाग पर, लेकिन इसमें डिजिट्स चेंज कर, ठीक है, भाग पर तो फिर भी फोकस करना ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 14 14 6 84 और 9 में से 7 गया 2 प्लस 9 माइनस 7 है तो 84 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 86, लेकिन उत्तर आपका कितना दे रहा है 23। अब दो ही तरीके हैं, या तो इस 3 को बड़ा किया जाए और या तो इस 6 को छोटा किया जाए। ठीक है, 3 को बड़ा किया जाए और 6 को छोटा किया जाए, बढ़िया, पहले वही दे दिया 3 और 6, मतलब यहां पर 6 और यहां पर 3, तो 6 सत्ते 42, 7 त्रिक 21 और प्लस 9 माइनस 7, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 23, 23 ही दिया हुआ है उत्तर तो आपका। अब आप देखिए 7 और 9 का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि यहां पर केवल 2 का ही फर्क आएगा, 7 और 9 प्लस और माइनस के साथ है, तो इसमें डिजिट्स में क्या अंतर आना है, केवल 2 का अंतर आना है, और हमारे बीच का जो अंतर है वो 86 और 23 के बीच का, मतलब लगभग लगभग 63 का फर्क है। ठीक है, 6 और 7, अगर मैं 7 को यहां पे ले जाऊं 6 को यहां पे ले जाऊं तो मामला बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि गुणा यहां पे 6 का था, अब 7 का गुणा होगा, बड़ी संख्या का गुणा होगा तो डाटा और ऊपर चला जाएगा, इसलिए दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। अब देखिए 3 और 7, हाँ ये वाला सोचा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको देख के ही बताया कि 3 और 6 को ही चेंज करना पड़ेगा, या तो 3 को या तो 6 को, क्यों, क्योंकि हमारा उत्तर ज्यादा आ रहा है, 3 को अगर मैं बढ़ा दूं, 3 को अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरा उत्तर कम हो जाएगा, या 6 को मैं घटा दूं तो भी मेरा उत्तर कम हो जाएगा, ये एक ऑप्शन हो सकता था। अगर मैं 7 को यहां पे ले लूं, 3 को यहां पे ले लूं, 7 6 42 6 6 हम 36 और प्लस 9 और माइनस 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 36 प्लस 6 उत्तर कितना था, मतलब मेरा उत्तर 42 आ रहा है, जबकि चाहिए मुझे कितना 23, मुझे उत्तर पहले वाले से मिल चुका है। मैं आपको चेक करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये क्यों नहीं हो सकता, यहां पर ये दो ऑप्शन तो क्लियर कट गलत है, क्योंकि इनसे कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। ठीक है, ऑप्शन एक हो सकता था या चार हो सकता था, दोनों को आप चेक कर लीजिए, पहले वाले के ऑप्शन में मेरा उत्तर आ गया इसलिए मैं टिक कर चुका हूं, चौथे वाले ऑप्शन को भी आपको एक बार चेक करना चाहिए था उत्तर कितना रहा 42, मतलब चौथा मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है, कुछ एक नई चीजें भी आपको देखने के लिए मिली, कुछ एक सरल चीजें भी आपको देखने के लिए मिली। अभी ब्लड रिलेशन में जो ट्रैक चल रहा था उस ट्रैक को उसने थोड़ा सा पलट दिया है, कुछ एक नई चीजें भी इंट्रोड्यूस उसने की, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो पेपर अभी भी उसी पैटर्न पर चल रहा जो पैटर्न उसने स्टार्ट से अपनाया था, मतलब टॉपिक्स में कोई बदलाव नहीं है, सवालों में थोड़ा सा ट्रैक को उसने बदल दिया है। तो वैसे भी जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करके देने के लिए जाते हो तो उस टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज होना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि बगैर कंप्लीट नॉलेज के आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं पूछेगा और ये पूछेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। मिलते हैं कल 33वें पेपर के साथ, तब तक के लिए